वालेकुम। मैं रिश्ता बैंक्विट हॉल और रेस्टोरेंट में मौजूद हूं और हमारे इलियास भाई जो कि यहाँ के हाल ही नाले यहाँ के समझ लो जनरल मैनेजर है, मैं आपसे उनसे सवाल करता हूँ। इलियास भाई सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, मैं बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हो? वैसे बिल्कुल रिश्ता बैंक्विट हॉल आपके आने के बाद तो बड़ा आपने तो धमाल मचा दी है, बहुत बेहतरीन रेपुटेशन कर दी है। तो ये कि शादी ब्याह के लिए क्या क्या पैकेजेस है आपके यहाँ पे? सर शादी के लिए हम लोग पैकेज बनाया, ये के सिल्वर पैकेज है, ये गोल्ड पैकेज है, ये प्लैटिनम पैकेज है, मगर अगेन द पैकेज इज ओनली पैकेज में लिखा हुआ, मगर रेट में हम लोग हमेशा गेस्ट के साथ में बैठ के गेस्ट का भी पोटेंशियल देख के हम लोग अच्छा सेट करता है रेट। अच्छा, ये पारसिपनी में है, 269 लिटिल ऑन रोड पारसिपनी, ये इस जगह पर है और इनका फोन नंबर है 9735885197 और एक और नंबर है 2105758268। तो इलियास भाई ये पहले बताइए, माशाल्लाह इलियास भाई का ताल्लुक अपने इंडिया से है और बड़े जबरदस्त, और जब से आए हैं ये हाल खाली नहीं है, बुक हो रहा है यहाँ। अगर कोई हमारे मुस्लिम फैमिली करती है तो उनके लिए हलाल गोश्त वगैरह ये वो सब? अपना खाना सब कुछ हलाल है 100%। हम लोग अल्लाह का सामने हम लोग कभी झूठ बोलता नहीं, जो भी है सच्चाई पब्लिक का सामने है। और सब बढ़िया, हम लोग मुस्लिम के लिए मुस्लिम का मेनू बनाता है, कोई गुजराती है तो गुजराती का भी मेनू बनाता है, साउथ इंडियन चाहिए तो साउथ इंडियन। अल्टीमेटली फंक्शन में उनका तरफ का खाना बना के उनको हम लोग हमेशा खुश रखते हैं। म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह अगर यहाँ लोग करते हैं कमर्शियल प्रोग्राम, तो उसके लिए क्या सहूलतें देंगे आप? हम उनके लिए बढ़िया हॉल एकदम बढ़िया प्राइस में देंगे, क्योंकि वो लोग भी बाहर का गांव से मे बी इंडिया से लाता होगा, नहीं तो पाकिस्तान से म्यूजिक सेट सबको लाता है, उनका भी खर्चा रहता है, देन लॉट ऑफ एक्सपेंसिव रहते हैं, हम लोग कोई प्रॉफिट नहीं देखते हैं वो फंक्शन में, उनके लिए स्पेशल रेट ऑलवेज अवेलेबल। अच्छा, तो ये कि कोई भी तरह का अगर प्रोग्राम हो आप इसमें वो खाना पीना भी अगर हो तो सब अरेंज करके देते हैं? हम लोग फंक्शन में खाना भी अरेंज करते हैं और स्पेशल कश्मीरी चाय भी बनाते हैं हम लोग, और सारे गेस्ट लोग खुश रखता है। अच्छा बिल्कुल, तो अब ये बताइए कि जैसे यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है सॉल की? यहाँ 275 to 300 कैपेसिटी है, 275 एकदम इजी है, 300 थोड़ा टाइट हो जाता है दो साइड में बुफे लगने का बाद। अच्छा, सिल्वर पैकेज में आप क्या क्या देते हैं आइटम में? सिल्वर पैकेज है, बढ़िया पैकेज है, वो $45 प्लस एंड प्लस जो है सर्विस चार्ज एंड टैक्स, बट उसमें हम लोग बढ़िया दो वेजी एपिटाइजर, दो नॉन वेज एपिटाइजर, दो वेजी एंट्री, दो नॉन वेज एंट्री, देन एसोटेड नान, देन हम लोग देते हैं जीरा राइस, नहीं तो पुलाव राइस, देन बढ़िया दो डिजर्ट चॉइस ऑफ द गेस्ट, देन रिश्ता बोलता है, रिश्ता बोलेगा हम लोग रिश्ता जोड़ता है, उसका मतलब हम लोग रिश्ता का वजह से रिश्ता का थ्रू से कस्टमर के लिए गेस्ट के लिए हम लोग हमेशा बढ़िया सलाद, रायता, पिकल और एसोटेड, जितना पीता है उतना हम लोग एसोटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, एंड उसके ऊपर से हम लोग बढ़िया कश्मीरी चाय, मसाला चाय, ये सब अपना गेस्ट को हम लोग अपना घर से देते हैं। अच्छा, और इसी तरह आपका गोल्डन पैकेज भी है और प्लैटिनम पैकेज भी है जी? गोल्डन पैकेज कितने का है? $55 जी। अच्छा, एंड उसमें और भी दो दो आइटम बढ़ते जाएंगे। अच्छा, बढ़ाते रहेंगे जी, इसमें जी, जी। तो ये फुल एंड फाइनल है या इसमें कुछ थोड़ी बहुत रियायत वगैरह की गुंजाइश है? इसमें बहुत रियायत है जी, हम लोग हमेशा कस्टमर का पोटेंशियल देखता हूँ और कस्टमर हमेशा पूछेंगे मेरे पास उतना है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, हम लोग हमेशा अपना जो फूड कॉस्ट देखे हम लोग हमेशा लो प्राइस में देता है, मेक श्योर आवर कस्टमर शुड बी हैप्पी, दे शुड बी कम बैक अगेन एंड अगेन। और आपका पार्किंग लॉट भी बहुत बड़ा है यहाँ पे, यानी काफी, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन यूनाइटेड स्टेट, कहाँ भी आप जाओ पार्किंग का ही तकलीफ है, बट यहाँ एक 1000 कार्स यू कैन पार्क वेरी इजी, लंच टाइम रहें दो, डिनर टाइम रहें दो। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अभी जैसे बैंक्विट हॉल आपका चल रहा है, आपने बाकायदा इसका यहाँ पे बुफे सिस्टम का और रेस्टोरेंट भी स्टार्ट करने का इरादा किया था, वो कब शुरू करेंगे? जी फिलहाल अभी तो गर्मी का सीजन खत्म हो गया, समर का सीजन, अभी ठंडी का सीजन आना लगा, आपको मालूम है न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क में हमें आपका खाना हीटर में हीट होते रहते, हीट होते रहते, होते रहते और फूड में टेस्ट नहीं रहते,
हम लोग उससे भी बढ़िया ताजा ताजा गेस्ट जैसा ऑर्डर करते हैं अलाकार, जैसा इमीडिएटली गेस्ट को सर्व होता है, गेस्ट हमेशा खुश रहते हैं। तो अभी आपके आने के बाद तो मेरे भी बहुत से जानने वालों ने बुकिंग कराई है और काफी अभी अवेलेबल है कुछ तारीखें वगैरह आपके पास? नहीं जी, फिलहाल अभी टिल 31 तक कोई जगह नहीं, ऐसा एक हफ्ते का बीच में 2-3 दिन जगह है, वो भी इन होल्ड। अल्टीमेटली जो कस्टमर अपना पार्टी में आता है और उसका ग्रुप में रहते हैं, वो लोग ये सब खाना सर्विस वगैरह देके वो लोग ही घड़ी घड़ी बुक करते रहते हैं। एंड फिलहाल जो पहले जो आए गेस्ट लोग, वो लोग भी रिपीटर्स आते रहते हैं, उनका ही बुकिंग ज्यादा है। अच्छा, ये आपके पास स्टाफ सारा मौजूद है खाना सर्व करने के लिए और सब कुछ? मेरे पास किचन रिमार्च हमेशा ठंडी रहते हैं, बिजनेस थोड़ा लो है, इसके लिए हम लोग ये बैंक्वेट हॉल खाली रखने से हम लोग बढ़िया रेस्टोरेंट अपना गेस्ट के लिए ओपन करेंगे। अभी फिलहाल में भी 2 हफ्ते में ये रेस्टोरेंट लंच एंड डिनर के लिए ओपन रहेंगे। एंड बहुत बढ़िया मेनू बनाया, जो मेनू बनाया वो फ्यूजन टाइप का, अभी का जनरेशन को जो चाहिए वो पूरा आइटम वो मेनू में रहेंगे। ऑल्सो द टू गो मेनू ऑलरेडी हम लोग तैयार किया हुआ, वो अभी फ्राइडे का दिन जुम्मा का दिन लॉन्च करेंगे। एंड इंशाल्लाह सारे अपना गेस्ट के लिए बढ़िया मेनू है, अच्छा डिलीवरी है उसका। फिलहाल उसका बाद में हम लोग रेस्टोरेंट खोलेंगे, रेस्टोरेंट में भी बढ़िया कैपेसिटी बढ़िया है, एम्बियंस बढ़िया है, सर्विस भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया अपना गेस्ट के लिए हम लोग आए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पार्सिपली में मोगल एक्सप्रेस भी है जी, वो अभी उन्होंने बुफे सिस्टम शुरू किया हुआ है, तो $13.94 ऐसे ले रहे हैं कोई ना, तो आपका क्या मकसद है कि रियायत में रखने का इरादा है? नहीं जी, हम लोग हमेशा कस्टमर के लिए फ्रेश खाना और बढ़िया खाना सर्व करता है, इसके लिए हम लोग बुफे नहीं बनाता हूँ। क्यों? शेफ है, उसके बाद तंदूरी शेफ है, जो एपिटाइजर चाट ब्रेड बनाने वाला शेफ है, ये सारे एक्सपीरियंस शेफ लोग हैं। वो आप उसका नौकरी, इसने पहला शुरू किया था मुंबई ताज से, देन ओबेरॉय, देन वो ही वर्क फॉर ए शेरेटन ग्रुप, देन उसका बाद में कार्निवल ग्रुप के लिए, अभी फिलहाल वो अपना पास आए ले वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस शेफ एंड मल्टी नॉलेज एंड स्किल शेफ, इसके लिए खाना बढ़िया बन जाता है और अपना कस्टमर बहुत खुश होता है खाने में। यू कैन सी इन द गूगल अपना कमेंट्स कैसे आ जाते हैं। अच्छा इलियास भाई, ये बताइए कि जैसे पाकिस्तानी लोग जो चटपटे खाने बड़े पसंद करते हैं, और चूंकि आप भी माशाल्लाह आपका ताल्लुक इंडिया से है और वहां भी खाने जबरदस्त बनते हैं, खास करके बहुत जबरदस्त, मगर वो यहाँ पाकिस्तानी कुक जो है ऐसा जो बनाता है खाना, ऐसा कुछ है आपके पास? अपना शेफ मल्टी टास्क मल्टी नॉलेज वाला, वो पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तानी कराची लाहौर की स्टाइल में बनाता है, हैदराबाद हैदराबादी वालों के जैसे बनाता है, गुजराती वालों के लिए गुजराती जैसे गुजराती दाल तंदूरा वगैरह चोई चाहिए, मे बी वीट लड्डू चाहिए वो बनाता है, सेम गोश्त केरला वाला रहेंगे उनको बहुत फेमस है, चट्टीनाड बनाते हैं। ऑल्सो अपने पास 3 शेफ है अंदर, उसमें से एक है स्पेशलिटी शेफ, वो अच्छा चाट स्टेशन लाइव बनाता है, डोसा बनाता है, फ्रेश जलेबी साफरन का साथ बनाता है, अल्टीमेटली जो भी गेस्ट को चाहिए सब कुछ अपने पास बनाता है। इसमें क्या क्या देते हैं, जैसे तंदूर की रोटी बनाना या मकसद है कि दुगर लाइव आप क्या क्या अरेंज करके देते हैं? लाइव स्टेशन में हम लोग ये बनाता है चाट स्टेशन, चाट एकदम पॉपुलर है, वो चाट स्टेशन में आपको पानी पूरी मिल जाएंगे, आपको आलू टिक्की मिल जाएंगे, पापड़ी मिल जाएंगे, आपको समोसा चाट मिल जाएंगे, डोसा में साउथ इंडियन टाइप पे डोसा मिल जाएंगे, डोसा में 2-3 टाइप का डोसा है, मैसूर मसाला डोसा, सादा डोसा, रवा डोसा वगैरह मिल जाएंगे। और आपको जलेबी चाहिए तो जलेबी सफरन से बहुत बढ़िया जलेबी बनाता है, वेरी एक्सपर्ट वाला है, येलो कलर चाहिए तो येलो कलर बनाता है, रेड वाला तो रेड, वो लाइव बनाएगा जलेबी, वो लाइव बनाते हैं एकदम बारीक एकदम पतली गरम गरम, उसका खुशबू यहाँ से पकड़ेंगे न्यूयॉर्क पेन स्टेशन तक आ जाएगा। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड, क्या बात है। चले तो यस भाई, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलकर बड़ी खुशी हुई आपसे, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। ये आपका ही घर है, हमेशा दरवाजा खुला है ये सारे गेस्ट के लिए, सबके लिए ये उनका है, रिश्ता एक चीज है, रिश्ता बनाना है,
इसके लिए हम लोग उसका रिश्ता बांध ले, हमेशा आप लोगों के साथ रिश्ता रखेंगे। आप अपना नंबर और यहाँ का एड्रेस जरा बता दें इसके अंदर। जी जरूर, ये रिश्ता बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट एंड यहाँ का मेरा नंबर है 8818621075269 लिटिल टाउन पासीपेनी, और यहाँ का कोड है 07054। थैंक यू रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। रिश्ता बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट का बाहर का देखें आप, बहुत बेहतरीन जगह पर है ये सब। एंट्री देखें, गेट बेहतरीन बना हुआ है, और ये बराबर में चांद पैलेस है, सब्जी मंडी है, डंकिन डॉट है, और यहाँ ये देखें कितना खूबसूरत जो है बहुत बड़ा लॉट है पार्किंग का। अगर कोई आदमी जितनी भी गाड़ियां लाएं ये सारी पार्क हो जाती है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ी स्पेस जो है ना किसी और जगह नहीं मिलती कहीं भी, ये इसकी एक खूबी है। इसमें बारिश हो रही है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पुरसुकून इलाका है, आरसिपनी का इलाका है ये न्यू जर्सी में। देसी लोग अपने बहुत ज्यादा यहाँ पे हैं और खास करके इंडियन कम्युनिटी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में रहती है यहाँ पे। वैसे तो सारी कम्युनिटी पाकिस्तान वगैरह सब लोग यहाँ पर हैं, तो ये जगह बहुत जबरदस्त है। आगे डोसा हाउस भी है क्योंकि मेरा बड़ा पसंदीदा है डोसा जो है, बड़ी जबरदस्त आगे की तरफ है। रिश्ता बैंक्वेट हॉल की आपने देखी जगह, इलियास भाई से मुलाकात आपकी करवाई हमने, उन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया है, तो आप जरा इनसे जब भी कोई तकलीफ करें किसी किस्म की तो रब्ता करें जरूर। बड़े अच्छे इंसान है, बिहेवियर इनका जबरदस्त है, खुश अखलाक है, इसलिए लोग इनको लाइक भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये जगह आपने देखी, बहुत जबरदस्त जगह है, बेहतरीन जगह है, क्योंकि मेरी मिसेज की सब्जी मंडी में ग्रोसरी वगैरह परचेस कर रही है, काफी देर हो गई होगी तो मैं वहां पहुंचू जल्दी से, या गाड़ी में बैठ गई होंगी। इलियास भाई से सलाम दुआ थी पहले से, तो मैंने कहा कि चले इनसे इस बारे में कुछ मुलाकात हो जाए और बातचीत हो जाए, तो इनसे आपने तफसीलात जानी होगी सारी। तो यहाँ जो यूएसए में और ख़ास करके न्यू जर्सी में रहने वाले जो हैं वो इस हॉल से फ़ायदा उठा सकते हैं, बड़ी बेहतरीन जगह है। चले।